फरोज खान और अलीजे खान की केस के बारे में आज जो नई अपडेट आई है उसमें अलीजे खान के वकील ने अपनी तमाम तर मुलाकात बच्चों की मुलाकात के बारे में बताया है डिटेल से, और इसको देखने के लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा कि अलीजे खान के वकील का क्या मौका सामने है। पहले फरोज खान के वकील का मौका हुआ था, अब अलीजे खान के वकील का मौका हुआ। अच्छा, इंटरमेंटेंस की स्टिपुलेशन ये होता है कि जब तक ये केस चलता है तब तक कोर्ट कुछ अमाउंट फिक्स करती है, जब तक ये केस चले तब तक बच्चों की मीटिंग करवाई जाए, तब तक बच्चों बाप बच्चों को मेंटेनेंस देता रहेगा सर्टेन अमाउंट। उसकी हेयरिंग के लिए आज तक हमने हेयरिंग की, हमने एक एक चीज जस्टिफाई की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक उनका रिस्पॉन्स इस तरह आया, उनके रिस्पॉन्स में यही कहा गया कि बाप इतने अमाउंट नहीं दे सकता जितनी हमने क्लेम किए, हमने बच्चों की एक एक रुपए की चीज जस्टिफाई की मेंटेनेंस की, लेकिन उनकी तरफ से कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया कि वो किस तरह नहीं दे सकता, इवन दो के सब लोगों को पता है कि किस तरह उनकी इनकम है, किस तरह की, और इवन कि हमने उनकी इनकम का भी कोर्ट को बता दिया। अभी कोर्ट ने उनको कहा है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रूव करें, तो उन्होंने कहा कि हम 20,000 से ज़्यादा बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते पर मंथ। बाकी जो स्कूल एडमिशन रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो भी उन्होंने कहा है कि हम डिसाइड करेंगे जब आप हमें कोई लेटर लिखेंगे तो हम वो लेटर लिख देंगे, बाकी पर मंथ जो बच्चों की मेंटेनेंस आ रही है उस पर उन्होंने रिस्पॉन्स यही दिया है कि 20,000 से ज़्यादा पर बच्चे की नहीं दे सकती। हमने जस्टिफिकेशन में एक एक चीज़ बताई है कि बच्चा अगर एक डे की मील अगर बच्चे की देखी जाए, बच्चों के बाकी एक्सपेंसेस मेडिकल एक्सपेंसेस एजुकेशन फी वगैरह देखी जाए तो वो 20,000 से ज़्यादा होती है, और वो सारी चीज़ें 20,000 में कवर करना चाह रहे हैं। हमने जो एवरेज अमाउंट रखी वो 5 मिलियन से 10 मिलियन के दरमियान हमने रखी है, और उससे ज़्यादा हो सकती है, सिर्फ कुछ हमने ड्रामों जी जी वो कुछ हमने ड्रामों से उनकी मूवी से हमने एवरेज इनकम बताई हुई है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो आज उनको कोर्ट ने यही कहा है कि अगर आप 20,000 भी पर बच्चा इनकम बच्चों की मेंटेनेंस नहीं दे सकते, आपकी इनकम नहीं है इतनी, तो आप अपनी आपकी चीज़ की वजह करें, डॉक्यूमेंट लेके आए, बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके आए। मीटिंग शुरू हुई पहले भी जिस तरह हमारा फोकस था कि हमने कभी बाप को मना नहीं किया, इवन के ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस दादा और दादी की भी मीटिंग अलाउ की गई थी लास्ट डेट, जिसमें हमने बेसिक ऑब्जेक्शन उठाया था कि सिक्योरिटी रीजन, लेकिन अगर दादा दादी का NIC रखा जाए वो कोर्ट ने अलाउ हमारी रिक्वेस्ट की थी, तो आज मीटिंग उनकी भी होगी। फिरोज खान के साथ भी स्मूथली मीटिंग चली है, कोई मीटिंग में कोई इशू बीच में नहीं हुआ, कोई हमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि छोटी बच्ची थी साथ, उसके जैसे माँ को मीटिंग हॉल में दूर बैठना पड़ा ताकि बच्चे छोटी बच्चे को लुक आफ्टर कर सके, 6 महीने की बच्ची है साथ लेने की।